स्टूडेंट, तो अपना चैप्टर चला था द अर्थ एंड क्रिया और अपन ने यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ओशंस के बारे में। तो अपन पढ़ने वाले अभी पैसिफिक ओशन के बारे में। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। एंड द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ द मेरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन इट। और इस पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर है, वो भी जो है पैसिफिक ओशन में है, जिसका नाम क्या है, गड्ढे का नाम दिया गया है मेरियाना ट्रेंच। और अगर इसकी अपन डेप्थ देखते हैं तो 11,000 मीटर या फिर 11 किलोमीटर अपन कह सकते हैं। ऑल राउंड द पैसिफिक ओशन लाइज अ चेन ऑफ न्यूमरस वोल्केनोस व्हिच कीप इरप्टिंग फ्रीक्वेंटली। और जो पैसिफिक ओशन है इसमें क्या है कि एक चेन सी बनी हुई है वोल्केनोस की, यानी कि एक चेन टाइप में वोल्केनो के जो अलग अलग माउंटेन्स है या जो रीजन्स है जहाँ पे वोल्केनो एक्शन होता है उसकी एक चेन बनी हुई है। और इस चेन में जो भी वोल्केनो है उनमें टाइम टाइम पे जो है इरप्शन होता रहता है। दिस बेल्ट इज दस कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और जो ये बेल्ट है, जो चेन बनी हुई है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम जानते हैं। द थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स सिचुएटेड इन दिस ओशन आर मोस्टली ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। और जो ये ओशन है पैसिफिक ओशन, इसमें हजारों जो आइलैंड बने हुए हैं वो सभी वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। तो इस तरीके से अपना ये हुआ पैसिफिक ओशन। अगला है अपना अटलांटिक ओशन। इट इज एन एस शेप्ड ओशन लाइंग बिटवीन फोर मेजर कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका यूरोप ऑन द ईस्ट एंड टू अमेरिका ऑन द वेस्ट। अब जो अटलांटिक ओशन है, पहली बात तो इसकी जो शेप है वो एस जैसी है, एस फॉर सोशल साइंस, एस जैसी इसकी शेप है। और इसके अलावा यह इसकी जो स्थिति है वो चार कॉन्टिनेंट्स के बीच में पड़ती है। तो इसके ईस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न जो डायरेक्शन है, वहाँ पे तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं। और जो इसका वेस्टर्न जो डायरेक्शन है वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। This makes this ocean an important marine zone for trade and travel. तो इस तरीके से जब चार चार जो कॉन्टिनेंट हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं ओशियंस के साथ में, तो यह जो मरीन फील्ड है, ये जो मरीन एरिया है, यह बहुत इम्पोर्टेंट जोन रहता है किस चीज़ के लिए, ट्रेड के लिए और साथ साथ ट्रैवल के लिए भी। द मिड अटलांटिक रिफ्ट इज द लाइन रनिंग अक्रॉस दिस ओशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और एक लाइन है जिसको अपन मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं, वह इस ओशन के बीचों बीच से नॉर्थ से साउथ की ओर गुजरती है। वेयर द वंस जॉइंट यूरोपियन अफ्रीकन लैंडमास एंड द टू अमेरिका सेपरेटेड एंड ब्रोक अवे। और जो लाइन जहाँ से जा रही है वहाँ पे कभी यूरोपियन और अफ्रीकन जो लैंडमास थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और दो अमेरिका हैं वो सेपरेट हुए थे। यानी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो मिड अटलांटिक रिज है वो लाइन यहाँ इसी ओशन से गुजरती है। और जो लाइन जहाँ से गुजरती है वहाँ पे पहले कभी यूरोपियन अफ्रीकन लैंड मार्क से जुड़े हुए थे और जो दो अमेरिका है, टू अमेरिका से नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, वो भी यहीं से टूट करके जो है अलग हुए थे। अगला है इंडियन ओशन। इट इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एंड वार्मेस्ट ओशन। तो जो इंडियन ओशन है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। इसके अलावा यह क्या है, सबसे गर्म भी है, यानी कि इसका जो पानी है या इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है रेदर देन अदर ओशन। बॉर्डर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट बाई एशिया अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन है उस वो जो इंडियन ओशन का फील्ड है, जो एरिया है, वह नॉर्थ में एशिया से, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उनसे अपनी बाउंड्री या बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ दिस ओशन। भारत की जो स्थिति है वह इस ओशन के नॉर्थ में है, यानी कि हेड जो है ओशन का वहाँ पे है। द रेड सी, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आर कनेक्टेड टू दिस ओशन। तो जो इंडियन ओशन है इससे और भी बहुत सारी वेल नोन जो वाटर बॉडीज हैं वो भी इससे कनेक्ट रहती हैं। तो कौन कौन सी हैं, वो रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। द स्वेज कैनाल कनेक्ट द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी। अब एक कैनाल है जिसे हम स्वेज कैनाल के नाम जानते हैं।
यह स्वीज कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है, मेकिंग दिस ओशन एन इंपॉर्टेंट वाटरवे बिटवीन यूरोप एंड एशिया फॉर ट्रेड एंड ट्रेवल। और यही जो कैनाल है ये क्या करती है, यह एक इंपॉर्टेंट वाटरवे बनाती है। इससे क्या होता है, यूरोप में और एशिया में जो वाटर बॉडीज है उनके थ्रू ट्रेड एंड ट्रेवल और फलीभूत होता है। यानी कि कुल मिलाकर जो स्वेज कैनाल है वह मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, और इंडियन ओशन भी यहाँ पे रेड सी के थ्रू होते हुए जो अपना यूरोपियन वाला पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का वहाँ कनेक्ट होता है। अगला है आर्कटिक ओशन, द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। द आर्कटिक ओशन स्प्रेड अराउंड द नॉर्थ पोल बॉर्डरिंग एशिया यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका टुवर्ड्स साउथ। दुनिया का सबसे छोटा जो ओशन है वो कौन सा है, आर्कटिक ओशन है। और साथ ही साथ जो ये ओशन है नॉर्थ पोल पे फैला हुआ है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो एशिया से यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से जो है शेयर होती है इसी बाउंड्रीज। इन विंटर दिस ओशन फ्रीजेस ओवर कम्प्लीटली, सर्दियों में जो ये ओशन है पूरा का पूरा कम्प्लीटली जम जाता है। व्हाइल ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट्स एंड फॉर्म्स लार्ज फ्लोटिंग आइलैंड एंड आइसबर्ग। जबकि गर्मियों में क्या होता है, जो पानी होता है जो आइस होती है वो पिघलती है, इस वजह से यहाँ पे होते हैं बहुत सारे हमको आइलैंड दिखाई देते हैं। इसके अलावा तैरती हुई जो आइसबर्ग्स हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं। द आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड टू बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। अब तो ये आर्कटिक ओशन है, यह दोनों जो ओशन हैं कौन कौन से, अटलांटिक और पैसिफिक, इन दोनों से भी कनेक्टेड है। पोलर बियर्स ट्रीज आर्कटिक फॉक्स एटसेट्रा सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज फॉर्म इन दिस ओशन। और इस ओशन में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु हैं वो कौन कौन से हैं, पोलर बियर हैं, सील्स हैं, आर्कटिक फॉक्स हैं, यानी कि किस टाइप की जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे मिलती है। अब आता है लास्ट जो ओशन है हमारा, सदर्न ओशन। दिस ओशन सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड इज फॉर्म बाय मर्जिंग ऑफ द सदर्न एक्सटेंट ऑफ पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। अब जो सदर्न ओशन है पहली बार तो ये किससे घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका से। और यह जो सदर्न ओशन है ये बनता किससे है, यह तीन ओशन है पैसिफिक अटलांटिक और इंडियन ओशन, इन तीनों ओशन का जो सदर्न पार्ट है उससे मिलकर के सदर्न ओशन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारे ओशन कंप्लीट होते हैं और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।